दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको तारक मेहता शो के उन किरदारों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस शो को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया है, और उनके इस शो छोड़ने की असली वजह भी बताऊंगा। अगर आप तारक मेहता शो को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन पर है दिशा वक्कानी। तारक मेहता शो में दया भाभी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दिशा वक्कानी ने 2017 में ही इस शो को थोड़े समय के लिए छोड़ दिया था। उनके लाखों फैंस आज भी उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं, और आज तक उनकी जगह कोई भी नहीं ले पाया है। दरअसल वह उस समय माँ बनने वाली थी और अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कुछ समय के लिए तारक मेहता शो से ब्रेक लिया था। नंबर दो पर आती है अंजलि मेहता। नेहा मेहता जो कि पूरे 12 साल इस शो में अंजलि तारक मेहता का किरदार निभाती थी, और उनकी एक्टिंग लोगों द्वारा काफी पसंद की जाती थी। अंजलि ने इस शो को छोड़ने का कारण बताया था कि उनको अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में बनाना है, लेकिन आज उनकी जगह जानी मानी टीवी अभिनेत्री सुनैना फौजदार ले चुकी है। इस लिस्ट में नंबर तीन पर नाम आता है गुरुचरण सिंह सोटी का, जो तारक मेहता शो में सोढ़ी का किरदार निभाते थे। सोढ़ी भाई को उनके फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वर्ष 2013 में भी वह थोड़े दिनों के लिए इस शो से दूर रहे थे, लेकिन उनके फैंस की अपील के बाद शो मेकर्स ने उनको इस शो में वापस बुला लिया था। लेकिन अभी सोढ़ी भाई की प्रोड्यूसर के साथ अनबन होने के कारण उन्होंने तारक मेहता शो को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। आइए अब बात करते हैं ऐसे किरदार की जिन्होंने अपना पूरा बचपन इस शो के नाम कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टप्पू उर्फ भव्य गांधी की, जो कि 2008 से लेकर 2018 तक इस शो के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उनको गुजराती फिल्मों में हीरो बनने का मौका मिला था, इसलिए उन्होंने इस शो को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया। आज उनकी जगह टप्पू का किरदार राज अनदकड़ निभाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सोनू का किरदार निभाने वाली खूबसूरत अभिनेत्री निधि भानुशाली की, जो फिलहाल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल होती हुई नजर आई है। उन्होंने एक इंटरव्यू में तारक मेहता शो को छोड़ने का कारण बताया था कि वह अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहती है और अपने करियर को अच्छी तरह से सेट करना चाहती है, लेकिन अब सोनू का किरदार पलक सिद्वानी निभाती है। दोस्तों, जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने 2008 से लेकर 2013 तक मिसेस सोढ़ी का किरदार भली भांति निभाया था, लेकिन उनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उनको इस शो से थोड़े समय के लिए लीव लेनी पड़ी थी। तब उनकी जगह मिसेस सोढ़ी का किरदार दिल खुश रिपोर्टर ने निभाया था, लेकिन फैंस की काफी अपीलों के बाद उनको इस शो में वापस बुला लिया गया था, और आज तक वही रोशन का किरदार निभाती है। तारक मेहता शो में बावली का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम मोनिका भदौरिया है, जिन्होंने थोड़े वक्त के लिए इस शो को छोड़ा था। जब उनको इसका कारण पूछा गया तब उन्होंने बताया कि शो मेकर्स उनकी फीस नहीं बढ़ा रहे हैं, इसलिए मजबूरन उनको इस शो को छोड़ना पड़ा था। पर आज प्रोड्यूसर और उनके बीच प्रॉब्लम सोल्व हो जाने के कारण बावली फिर से इस शो में नजर आ रही है। तारक मेहता शो में शुरू से ही हाथी भाई का किरदार निर्मल सोनी निभाते थे, लेकिन उनकी एक्टिंग फैंस को उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती थी, इसलिए प्रोड्यूसर ने उनकी जगह कवि कुमार आजाद को हाथी भाई का किरदार निभाने का मौका दिया, और फैंस कवि कुमार आजाद को उनकी एक्टिंग के कारण काफी ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन उनका निधन होने के बाद वापस निर्मल सोनी को हाथी भाई का किरदार निभाने का मौका मिला। आइए बात करते हैं जिल मेहता की, जिन्होंने बचपन में ही इस शो को छोड़ दिया था, जो कि सोनू का किरदार निभाती थी। देखिए आज पहले वाली सोनू ऐसी दिखाई देती है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आता था हमें कमेंट करना ना भूले, और इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपसे हमारी कोई भी अमेजिंग वीडियोस मिस ना हो सके।